इंक्लूड, लेकिन राम श्याम या श्याम राम, लेकिन इन दोनों का पैटर्न अरेंज करो तो क्या होगा, फैक्टोरियल दोनों को दो जगह पर अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट है आपका वे टू सच दैट राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर, ठीक है। उन्होंने बोला कि राम और श्याम कभी तो साथ नहीं होने चाहिए, ऐसे कितने तरीकों से अरेंज करो। तो आपको पता है कि टोटल टोटल आपका क्या होगा, पांच चीजें आपके पास, पांचों को अरेंज करना है फैक्टोरियल फाइव, ये आपके क्या है टोटल, ठीक है। पांच चीजें आपको पांचों को अरेंज करना है फैक्टोरियल फाइव, आप क्या करोगे, दो बात हो सकती है कि या तो राम श्याम जो साथ में हो या राम और श्याम साथ में नहीं हो, ठीक है। सिलेक्शन मतलब राम और श्याम साथ में नहीं, दो ही बातें हो सकती है, या तो राम और श्याम का अरेंजमेंट हो रहा होगा तो साथ में बैठे होंगे, या आपके साथ में नहीं होंगे, ठीक है। तो साथ में होंगे ये आपको पता है, इसका एक और मेथड भी है, समझ में आ गए। आप एक दूसरा मेथड लिखिए, उसको बोलते गैप मेथड, उसको बोलते बड़ा गैप मेथड। उसमें आप लिखिए थिंग्स विच आर टू बी केप्ट अपार्ट, थिंग्स विच आर टू बी केप्ट अपार्ट, थिंग्स विच आर टू बी केप्ट अपार्ट, पुट देम इनटू गैप, put them into gap, कहने का क्या मतलब है, अगर चीजें आपको साथ में नहीं रखनी है तो आप उनको गैप में डाल दो, नहीं अगर आप उनको गैप में डाल दोगे तो वो कभी साथ नहीं होंगे, ये वाली बात समझ में आ रही। जैसे मैंने क्या किया कि अगर मैं इस मेथड की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, गैप मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आप किससे होंगे, इन्हें भी अगर दो चीजों को आपको साथ में नहीं रखना है, मैं क्या करूंगा गैप में डाल दो उनको, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जैनम और अनिश को साथ नहीं रखना है, अब क्या करो भाई, दोनों को गैप में डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे पास पांच चीजें हैं, आर एस एल पी डी, ये और ये कभी साथ नहीं होने चाहिए, तो मतलब क्या है कि पहले मैं इन तीनों को अरेंज कर देता हूँ और इन तीनों से जो गैप बनेंगे उन गैप में इनको मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने इन तीनों को अरेंज किया तो एल पी और बी, तो कितने गैप बनेंगे, चार गैप, वन टू थ्री फोर, ये आपके अरेंज हो गए, इन तीनों को अरेंज कर दिए, इन चार में से मैं कोई भी गैप, कोई भी दो गैप ढूंढ लो बेटा, कोई भी दो गैप सेलेक्ट कर लो, चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, और वहां पे इन दोनों को पुट कर दूं, ये कभी भी साथ नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मैंने अरेंज किए है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, तब से क्या आएगा, थ्री फैक्टोरियल, तीनों को तीन जगह अरेंज करना है, थ्री फैक्टोरियल, एन जीओ एन जगह अरेंज करना है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आपके पास चार गैप है, इन दोनों को अरेंज कर, मैंने पहले ही बताया था आपको, अरेंजमेंट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, अरेंजमेंट आपका टू स्टेप प्रोसेस है, पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स, ठीक है। आपने क्या किया, इन चार गैप में से कोई दो गैप सेलेक्ट, कोई भी दो गैप सेलेक्ट की, और उसके बाद इन दोनों को जो है उन दोनों जगह पे अरेंज कर दिया, दो गैप सिलेक्शन किए, दो गैप का सिलेक्शन किया, और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स एट टू प्लेसेस, ठीक है। लिखने का तरीका लिखिए, पहले अरेंजमेंट ऑफ, आप भूल जाओगे, देखो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स इनटू सिलेक्शन ऑफ गैप, इनटू सिलेक्शन ऑफ गैप
इनटू अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स। समझ में आया तनु? आ गया सर समझ। निकाल लेना आंसर से नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखिए अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस इन रूट, अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस, अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस इन रूट, इन रूट ई एन आर ओ यू टी, इन रूट हैज टू बी स्टॉप्ड, हैज टू बी स्टॉप्ड एट फोर स्टेशंस, हैज टू बी स्टॉप्ड एट फोर स्टेशंस। नंबर ऑफ वे द ट्रेन कैन बी स्टॉप, द ट्रेन कैन बी स्टॉप इफ नो टू ऑफ द number of ways the train can be stopped if no two of the stopping, if no two of the stopping are consecutive, are consecutive। यानी कि क्या मतलब है कि आपके पास जो है 12 स्टेशन है ट्रेन का रास्ता पड़ जाए और आपको जो है ट्रेन को चार स्टेशन पे रोकना है, जो चार स्टेशन पे आप रोक रहे हो वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, है ना। कॉन्सिक्यूटिव तो समझते ही एक के बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फोटो बना रहा हूँ ना, मैं एक फोटो बना रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी टेक करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। मान लिया कि ट्रेन यहाँ खड़ी है ए से बी, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया। ए से बी के बीच में आपके 12 स्टेशन है, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन आपके एस एट एस नाइन, स्टेशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, छोटा पड़ेगा, एस टेन एस इलेवन और एस ठीक है। आपका ट्रेन यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर ट्रेन है इस पॉइंट पर, जब आपका ट्रेन चालू हो रहा है तो उसने बोला है बीच में इस ट्रेन को आपको सिर्फ चार स्टेशन पर रोकना है, वो चार स्टेशन कोई से भी रुक सकते हैं, ठीक है, वो चार स्टेशन कोई से भी रुक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपने S1 को सेलेक्ट किया तो आप S2 सेलेक्ट करने पे कौन भी नहीं होना चाहिए, आप S3 सेलेक्ट कर सकते हो, S3 नहीं कर रहे हो आप S4 सेलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि गैप, याद आ गया गैप मेथड, यानी अगर मैं वो चारों स्टेशन गैप से उठाऊंगा, वो चारों स्टेशन अगर मैं गैप से उठाऊंगा तो स्टेशन जहां पर ट्रेन रुकेगी कभी भी जो है कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। ये भी बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि जिन चार स्टेशन पर आपको रुकवाना है, मैं काम करता हूँ फोटो बनाता हूँ, ठीक है, मैं फोटो बनाता हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास सपोज देट है ना 5 से 6 मॉडल है, मॉडल ठीक है, मॉडल कौन से मॉडल है, रैम बुक करता हूँ, ठीक है, 5 से 6 मॉडल है, वो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव और एम सिक्स ऐसा। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये 6 वॉक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे रन वॉक करते हुए आ रहे हैं, आपको क्या करना है, मतलब कोई दो मॉडल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और वो कौन से मॉडल नहीं होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो मॉडल उठाओगे गैप से उठाओगे, यहाँ से उठाओगे गैप से, ठीक है। कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जो दो मुझे उठाने हैं, जो दो मुझे उठाना है
मैं क्या करूंगा उनको हटा देता हूँ, वो कोई भी दो हो सकते हैं ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटिव नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँ बाकी के चार अरेंज कर देता हूँ, बाकी के चार ऐसा ठीक है, मैं बाकी के चार अरेंज कर देता हूँ। ये मॉडल सबसे में है ना, सबसे में वैसे सबसे में ठीक है। अच्छा चार चीजों ने कितने गैप दिए, पांच, एक दो तीन चार पांच, ये वाली बात समझ में। चार चीजें कितने गैप डाले, पांच। अब आप क्या करोगे कि रैंडम है ना, रैंडम रैंडम इन पांच में से आप कोई भी दो गैप सेलेक्ट करो, आप कोई भी दो गैप सेलेक्ट करो। जैसे मैंने बोला कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला सेलेक्ट, आप कोई भी दो गैप सेलेक्ट करिए, पांच में से आप कोई भी दो गैप सेलेक्ट करिए ठीक है। मैंने और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वो मॉडल जो हमें सेलेक्ट करने थे वन गैप में पुट कर रहा हूँ। तो मैंने ये बोला कि ये M1 है, तो ये आपका M2, ये आपका M3, ये आपका M4, ये आपका M5 और ये आपका M6। देखो फोटो बन गया ना, जैसे ही आपने गैप में M2 पुट किया और से देखिए वैसे ही फोटो बन करके तैयार हो गया जैसे आपका बन रहा था। समझ पा रहे हैं, यानी कि मींस यू हैव टू सेलेक्ट गैप। अगर आप गैप सेलेक्ट कर लोगे तो वो चीजें कभी कॉन्सेंट्रेटिव होगी, ये वाली बात समझ में आ रही है। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका आंसर देखना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा कि मान लो पांच से छह मॉडल आपका रैंको करते हुआ है और आपको कोई दो ऐसे मॉडल सेलेक्ट कर लें जो कि आपके कॉन्सेंट्रेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपने रिमेनिंग चार चीजों को अरेंज किया, रिमेनिंग चार मॉडल को अरेंज किया, चार मॉडल्स ने पांच गैप क्रिएट किए और आपने उन पांच में से कोई दो गैप सेलेक्ट किए और वही आपका आंसर है। समझ में आई ये वाली चीज, ये वाली भी अच्छी समझ में आई ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा, फाइव सिक्स, ये वाली बात समझ में, ये वाली चीज समझ में। चार चीजें आपने रेंज की, चार ने पांच गैप क्रिएट किए, पांच में से आपने कोई दो गैप सेलेक्ट कर लिए, फाइव सिक्स का आंसर ठीक है। अगर ऐसी बता रहा मैं आपको बोलूं, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आठ चीजें हैं, दो चीजें हैं तो कितने गैप क्रिएट करेंगे, तीन चीजें हैं तो कितने गैप क्रिएट करेंगे, चार, चार चीजें तो कितने गैप क्रिएट करेंगे, पांच, इसका मतलब क्या है, बारह चीजें कितने गैप क्रिएट करेंगे, तेरह। लेकिन हमें यहाँ पे चार स्टेशन पर ट्रेन करूंगा ठीक है, रैंडम मैंने कोई भी ले लिया, रैंडम मान लो ये S2 हो गया, S9 हो गया, S12 हो गया, कोई भी रैंडम मैंने चार स्टेशन सेलेक्ट कर लिए ठीक है। तो यानी कि बाकी के आठ स्टेशन मुझे अरेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, या एट स्टेशन कितने गैप क्रिएट करेंगे, 1 2 3 5 6 7 8 और 9 गैप क्रिएट करेंगे। आठ चीजें अरेंज की, आठ चीजों ने नौ गैप क्रिएट किए, नौ में से कितने ट्रेन स्टेशन पर बने, चार, तो नौ में से आपने कोई चार गैप सेलेक्ट कर ली, 9C4 आपका। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तनु जन्म तुम्हारा किसी के वीडियो विजिबल नहीं हो रहा, हमेशा तुम लोगों का कुछ जैनल, तू तो तेरा भी नहीं हो रहा जैनल, करता हूँ ये वाली बात सुनूंगा कि नेक्स्ट बेटा। अब मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, फॉर्मूला बनाने हमारे पास हमें जैसे मान लो आर चीजें पिक करनी जो कि कंसर्वेटिव नहीं है ठीक है, आर चीजें उठानी है, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या एन चीजें हैं ठीक है, एन चीज और हमें ऐसी आर चीजें चाहिए, हमें कैसी चीज करनी चाहिए, हमें आर चीजें चाहिए, हमें आर चीज जो कि आपके कंजर्वेटिव नहीं है, हमें आर चीज सेलेक्ट करनी है जो हमारी कंजर्वेटिव नहीं है। जैसे 12 में से हमें चार स्टेशन ऐसे सेलेक्ट करने थे जो कि हमारे कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, 9C4 हमारा आंसर आया, 9C4 आया। इसका मतलब क्या है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने क्या किया जो रिमेनिंग थिंग्स है उनको अरेंज किया, रिमेनिंग थिंग्स हमारे क्या थे, चार को मैंने सेलेक्ट ही करने हैं तो आठ मेरे पास बचे, बट आठ को मैंने अरेंज किया, आठ चीजों ने नौ गैप डाले, नौ में से मैंने चार गैप को उठा लिया आंसर,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास n थिंग्स हैं, n चीज है मेरे पास, ठीक है, मुझे r ऐसी चाहिए जो भी कंजुगेटिव नहीं हो, ठीक है, r मुझे ऐसी चाहिए बेटा जो भी कंजुगेटिव नहीं हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने r को अरेंज किया, r को आपने r चीज को अरेंज किया भाई, जो बाकी बाकी चीजें होंगी, जैसे मतलब आपने अगर कितनी चीजें बचेंगी, n माइनस r चीजें, जैसे अगर मैं, आप ऐसे समझिए, ये सब छोड़ो, आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास रिमेनिंग चीजें, जैसे हमें r को अरेंज करना है, हमें r उठाने हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग चीजें कितनी होंगी, n माइनस r हमें कितने गैप देंगी, n माइनस r प्लस 1, नहीं ऐसा नहीं, जैसे आठ चीजें बचेगी, आठ चीजों ने, जैसे हमें चार उठाने थे, हमारे पास आठ चीजें बचेगी, ठीक है, आठ हमने अरेंज किया, 9 गैप डाले, ठीक है, अब जैसे आठ चीजें अरेंज करनी है, कितनी चीजें बचेंगी, r हमें चाहिए कितनी चीजें बचेंगी, n माइनस r, कितनी चीजें, n माइनस r, कितने गैप, +1, c, इसमें भी यही हुआ है, n आपको कितना है, 12, r आपको कितना है, 4, ठीक है, देखते हैं ये बनता है इस फॉर्मूले से, तो देखिए 12 - 4 + 1, c, तो आपका क्या आंसर है, 9, c, ठीक है, तो आप ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, कब, जब आपको चीजें कंजुगेटिव होनी चाहिए, नेक्स्ट लिखिए, अ ग्रैंडफादर विद 4 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक्स, अ ग्रैंडफादर विद 4 चिल्ड्रन, टेक्स देम टू अ गार्डन, without taking the same 3 children together. नोट कर लिया सबने, a grandfather with 4 children takes them to a garden without taking the same 3 children. First point, how many times grandfather goes, पहला आपको ऑप्शन है, ये पहला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि कितने टाइम जो ग्रैंडफादर जाएगा, ठीक है, सेकंड है आपका how frequently a particular goes, देखिए ये कह रहा है कि एक दादाजी हैं, उनके जो है 4 बच्चे हैं उनके पास, और वो जो है 3 बच्चों को साथ लेकर के गार्डन जाते हैं, ठीक है, 3 बच्चों को साथ लेकर के गार्डन जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर हर बार 3 ही बच्चों को लेकर के जाते हैं और उन्हें सारे बच्चों को गार्डन पहुंचाना है, तो दादाजी के कितने चक्कर गार्डन में लग जाएंगे, ये गार्डन दादाजी कितनी बार जाएंगे कि सारे बच्चे उनके साथ चले जाए, ठीक है, अब ये मत कंडीशन लगा देना इसमें, अरे नहीं नहीं सर, कोई बच्चा नाराज हो जाएगा तो वो तो जाएगा नहीं, दादाजी खचेड़ के लेके जाएंगे, हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं सर, उसको सिर पर रख के ले जाएंगे, टोकरी में रख के ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को भी जाना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाना, और मैथ्स वाली बात नहीं रह जाएगी ना, लॉजिक नहीं लग पाएगा फिर, अब तुम कहोगे नहीं नहीं हम तो नहीं जाते थे, चॉकलेट देते थे, लालच देते थे, फिर भी नहीं जाते थे, तो बकवास मत करना सर, मैथ का सब सत्यानाश हो जाएगा इधर कॉन्सेप्ट का, ठीक है, देखो कहना क्या, मान लिया 4 बच्चे, कोई भी 4 बच्चे मान लो, मान लिया राम, श्याम, गौरव, विवेक, ऐसा, ठीक है, तो कोई ऐसा मत बोलना कि चारों लड़के ले लिए, कोई भी मान लो लड़की है, शुरू तो फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, से कई लोग होते हैं लेकिन ऐसे नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, चारों लड़के, लड़की नहीं हुई घर में, होगी भैया होगी मान लो, ठीक है,
तो अब आप क्या दादाजी क्या करते हैं, कोई भी तीन है ना, कोई भी तीन लेकर ले जाते हैं चार में से, कोई भी तीन लेकर जाते हैं, लेकिन सेम नहीं होते। ऐसा नहीं कि हर बात जो राघव जा रहा है या हर बार जो श्याम जा रहा है, ठीक है, या हर बात जो ऐसा गौरव जा रहा है, हर बार जो विवेक जा रहा है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब ये आपके जो है छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बच्चे और ये हमारे दादाजी काफी बड़े वाले, ठीक है, ऐसा दादाजी जो है गार्डन जाते हैं तो इन्हें भी तीन को उठा के चल देते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो क्या करते होंगे ले जाने से पहले क्या करते होंगे कि वो जो है इन चार में से किन्हीं तीन को सेलेक्ट करते होंगे कि भाई एक काम करो, तुम पिछली बार गए थे, इस बार तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, बोलते होंगे नहीं। अगर आपके पास चार चीजें हैं तो अब क्या करोगे, आपको कोई तीन चीजें घर ले जानी है, गार्डन ले जाना है, क्या करोगे, पहले सबसे पहले सेलेक्ट करो वो चीजों को, भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ठीक है। और उन तीन को लेकर एक ही बार तो गार्डन जा रहे हैं, उन तीनों के रिस्पेक्ट में एक बार गार्डन जा रहे हैं, तो फोर से थ्री वैल्यू का मतलब काम कर रहे हैं पूरी है। दादाजी कितनी बार गार्डन जाते हैं, चार बार, ठीक है, एक बार इन तीनों को ले गए, एक बार इन तीनों को ले गए, एक बार इन तीनों को ले गए और एक बार इन तीनों को, ठीक है, तो चार ही बार जा पाएंगे। देखना चाहते हो तो मैं दिखा दूंगा, एक बार राघव श्याम और गौरव चले गए, एक बार श्याम गौरव और विवेक चला गया, एक बार विवेक गौरव और राम चला गया, ठीक है, और एक बार आपका क्या चला जाएगा, विवेक और आपका गौरव और कौन रह गया, और कोई बच गया, एक दो तीन, सही है। तो ऐसा भी हो जाएगा ना आपका, आपका राम चला जाएगा, श्याम चला जाएगा और विवेक चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चार ही बार जाते हैं, एक बार इन तीनों को ले जाएंगे, एक बार इन तीनों की टीम, एक बार इन तीनों की टीम, ठीक है, तो चार ही राउंड लगेंगे दादाजी के गार्डन में। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर गोस, यानी कि हर बार जो है तीन बच्चों को सेलेक्ट करके लेके जाते हैं तो रिपीटेशन भी तो होगा, यानी कि एक बच्चे कितनी बार गार्डन जाएगा, है ना, एक बार जो बच्चा, एक बच्चा जो है या कोई भी एक पर्सन जो है उनमें से कितनी बार गार्डन जाएगा भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर को तो आपको लेना ही ले जाना है, ऐसा मान लीजिए, मान लो आपको जो है विवेक को तो ले जाना ही ले जाना है, तो वन सीमा एक में से एक को सेलेक्ट करना है, वन सीमा, ठीक। और आपने क्या किया, इन तीन में से पर्टिकुलर के लिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर का अटेंशन दे दिया, इसको थोड़ा अलग अलग रखा, ऐसे अलग रख लिया, और एक तो बच्चा आएगा, इन तीन में से कोई दो सेलेक्ट कर लो, उसका रीजन क्या है, ये जो तीन बच्चे उन तीन में से मैंने कोई दो को सेलेक्ट इसीलिए किया क्योंकि तीन ही बच्चे जा सकते हैं ना एक बार में, है ना, दादाजी तीन से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, जिद्दी है ना दादाजी भी जिद्दी, तो आपने जो है पर्टिकुलर के लिए आपने वो तो जाएगा ही जाएगा, विवेक तो जा ही रहा है, ठीक है, तो आपने इन तीनों में से कोई दो सेलेक्ट कर लिया, वन सी वन तो आपका वन ही होगा, थ्री सी टू आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, एक बच्चा जो है तीन बार गार्डन जाता है। नेक्स्ट, ऐसे गए हो कभी दादाजी के साथ गार्डन वार्डन तो समझ में आएगा, थोड़ा फील करोगे क्वेश्चन, तो फील करने वाली चीज है ना, पीएनसी में क्या आप फील करके तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, seven different colors of rainbow, rainbow नहीं rainbow, r-a-i-n-b-o-w, not rainbow, बोल अच्छा, rainbow में थोड़ी ना सात कलर होते हैं, rainbow में होते हैं भाई, seven different colors of rainbow are to be arranged so that blue and green never come together, blue and green
नेवर कम टुगेदर, कभी भी ब्लू और ग्रीन जो है नहीं आने चाहिए। आप इन सात कलर को जो है इस तरीके से अरेंज करिए कि ब्लू और ग्रीन का जो मिलन है वो कभी नहीं हो पाए, है ना, इनकी जो दोस्ती है वो नहीं हो पाए, ठीक है। ये दोनों जो पास पास नहीं हो, साथ साथ नहीं हो। एक मूवी थी ना, एक फैमिली मूवी आपने देखी, हम साथ साथ हैं, पहले बहुत आती थी चैनल्स पे, तो काफी पुरानी हो गई है। तो ऐसे ये जो है ब्लू और ग्रीन साथ साथ नहीं आ पाए आपके। आपको क्या करना है, आपके पास सात कलर हैं और दो कलर आपके जो है साथ साथ नहीं, तो आप क्या करो, गैप में डाल दो, गैप में तो दोनों को भाई क्या करो, गैप में पटक दो ना उठा के, है? आप क्या करोगे भाई, ब्लू एंड ग्रीन जो भी है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसा, ठीक है। तो मान लिया ये ब्लू और ये ग्रीन है, दोनों को आपको साथ साथ नहीं रखना है, तो पांचों को पहले अरेंज कर दो आप, है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, यानी लिखो ये जरूर, आप लिखिए रिमेनिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, पांच चीजों को पांच जगह अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं, आप ऐसे मत समझिए, आपने पांच चीजों को अरेंज कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इन पांचों को अरेंज किया, क्या है आपका 5 फैक्टोरियल, पांच अरेंज हो गए। पांच चीजों ने कितने गैप डाले, 6, पांच चीजों ने कितने गैप डाले, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इन 6 में से कोई भी दो गैप सेलेक्ट कर लो, आप इन 6 में से कोई भी दो गैप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गैप लिखिए आप, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स इनटू सिलेक्शन ऑफ गैप्स इनटू अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स। दो जगह आपने दो गैप सेलेक्ट किए, दो ही कलर है आपके पास अरेंज करने के, तो दो चीजों को दो जगह पर अरेंज करना है, यही आपके का आंसर है। अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स। कोई डाउट कृपया लिखते रहें, मैंने नहीं लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, कृपया लिखते रहें, वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे ये फैक्टोरियल कहाँ से आया, ये वाला कद्दू कहाँ से आया, बैंगन कहाँ से आया, ढूंढते रहना, बाद में परेशान हो जाओगे, ठीक है। लिखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ वर्ड्स विद 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड विद 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, विद 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवल्स, and 4 different vowels, पहला पार्ट है, if each word has 3 consonant, पहला पार्ट है जो कि आपको फाइंड करना है, if each word has 3 consonant and 2 vowels, if each word has 3 consonant and 2 vowels, पहला पार्ट है, एक ऐसा वर्ड आपको बनाना है जिसमें आपके जो 3 तो कॉन्सोनेंट हो और 2 वोवल होने ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो है 10 कॉन्सोनेंट है और 4 वोवल्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 में से जो है कोई 10 में से जो है कोई 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करोगे, 10 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल्स, ठीक। आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, तो आपको जो वर्ड बनाना है ना ऐसा, आप क्या करोगे, 10 में से 3 तो आपको कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 3 कॉन्सोनेंट,
टू बॉल चाहिए तो आपने कोई भी चार में से कोई भी दो बॉल सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। कितने बर्ड हो गए आपके पास? पांच। कितने लेटर हो गए? पांच। पांचों को पांच जगह अरेंज करना है। लिखने का तरीका, सिलेक्शन ऑफ कंसोनेंट, सिलेक्शन ऑफ वोवल इनटू अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स। हर बार है ना, हर बार ये है ना, हर बार ये अरेंजमेंट इज ए टू स्टेप प्रोसेस, हर बार ये। सेकंड पॉइंट है आपका, इफ ईच वर्ड हैज थ्री कंसोनेंट, if each word has three consonant and two vowels, three consonant and two vowels and begins with a and begins with a begins with a consonant, यानी कि आपका जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और उसमें जो है थ्री कॉन्सोनेंट होने चाहिए, टू वोवल होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, यानी कि आप ध्यान से देखिए, आपको वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा, ठीक है, स्टार्ट होना चाहिए। ये जगह कॉन्सोनेंट के लिए फिक्स हो गई भाई, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। ये जगह जो है स्टार्टिंग वाली पोजिशन ये फिक्स होगी कंसोनेंट के लिए। आपको क्या चाहिए, तीन कंसोनेंट चाहिए तो 10C3, दो वोवल चाहिए तो 4C2। लेकिन जो तीन कंसोनेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, जो तीन कंसोनेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, उन तीन में से तो ही कोई एक यहां पे आएगा भाई। उसने बोला है कि जो आपके पास तीन कंसोनेंट है उनमें से कोई एक यहां पे आएगा, वोवल तो रख नहीं सकते क्योंकि आपका वर्ड जो कंसोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, आपने जो है कोई तीन में से एक एक कंसोनेंट इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया, समझ में आ गया? यानी कि ये जगह भर गया, ये जगह भर गया, इनटू आपके पास कितने कितनी चीजें बनी यहाँ पे। इसको भरने का एक ही तो तरीका है, आपने तीन में से कोई एक सेलेक्ट किया उसको यहाँ पे भर दिया, तो एक ही तो तरीका होगा। तो आप ऐसे लिख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है, थ्री सी वन इंटू वन। अब आपके पास कितने चीजें बची, दो वोवल बचे, दो कंसोनेंट बचे, चार चीजें चार जगह, तो फैक्टोरियल फोर, चार चीजें और चार जगह बेटा फैक्टोरियल फोर। ये नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का पार्ट है नेक्स्ट। ईच वर्ड हैज थ्री कंसोनेंट एंड टू वोवल्स, इफ ईच वर्ड हैज थ्री कंसोनेंट एंड टू वोवल्स एंड टर्मिनल लेटर्स आर and terminal letters are vowel. देखिए आपके पास क्या है, उन्होंने बोल दिया कि भैया जो टर्मिनल लेटर हैं
यानी कि एंड के जो लेटर है वो आपके वोवल होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन तो आपका है ही, वो तो आप समझ लो कि आपने 10 में से 3 कंसोनेंट और 4 में से 2 वोवल सेलेक्ट किए, आपके पास टोटल 5 लेटर हो गए। अब उन्होंने बोला कि ये वाली कंडीशन और ये वाली पोजीशन फिक्स होगी वोवल के लिए। आपके पास 2 वोवल है, 2 ही प्लेसेस है, यहां पे आप प्लेस कर रहे हो तो क्या दो चीजें दो जगह अरेंज करने की, दो फैक्टोरियल। बाकी आपके पास कितने कंपोनेंट बचेंगे भाई, वोवल तो अरेंज हो गए, दो ही तो थे भाई, दो वोवल थे, दो जगह अरेंज कर दी यहां पर और यहां, तो दो जगह चीजों को दो जगह अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल टू, या कितनी स्पेस बचेंगे बस्ती, तीन कंसोनेंट तीन जगह, तीन चीजों को तीन जगह अरेंज करने के तरीके। नेक्स्ट देखिए, if each word has three consonant and two vowels, if each word has three consonant and two vowels but vowels are not together, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, देख सकते हो सिलेक्शन ऑफ कंसोनेंट, सिलेक्शन ऑफ वोवल, अरेंजमेंट ऑफ वोवल, अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट। अब आपका है कि आपके जो वोवल है, जो आपके वोवल है वो साथ नहीं होने चाहिए। वोवल से अगर साथ नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या है, क्या वोवल्स को गैप में रख दो, वोवल साथ नहीं है इसका मतलब क्या बेटा, वोवल्स को गैप में रख दो। आपने सबसे पहले काम तो यही करोगे, आपने 10 में से कोई 3 कंसोनेंट सेलेक्ट किए, 4 में से कोई 2 वोवल सेलेक्ट किए, पर आपके जो वोवल्स उनको गैप में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट। पहले आपने तीनों को अरेंज किया तो फैक्टोरियल 3, तीन चीज आपने अगर अरेंज की, मान लिया अगर आपने तीन चीज अरेंज की तो कितने गैप क्रिएट करेंगे, 4, 4 में से आप क्या करोगे पहले कुछ दो गैप सेलेक्ट करोगे तो 4c2, ठीक है, और इन गैप में सिलेक्शन ऑफ गैप, इन गैप में आप वोवल्स को क्या करोगे अरेंज करोगे, तो फैक्टोरियल 2। आप कैसे क्या लिखोगे, कैसे सिलेक्शन ऑफ कंसोनेंट, सिलेक्शन ऑफ वोवल, अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वोवल्स है ना, या ऐसे लिखो सिलेक्शन ऑफ गैप, सिलेक्शन ऑफ गैप है ना, सिलेक्शन ऑफ गैप, ठीक है, और ये आपका अरेंजमेंट ऑफ vowels at selected gap, ठीक है। Next, आप देख लो एक ही क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितने कितनी कंडीशंस लगा दी हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप लिखिए, vowels occupy odd position, vowels जो है आपके, ये आप कैलकुलेट कर लेना, जो मैं जितना छोड़ रहा हूँ ना, ये मैं यहाँ पे C2 V2 में छोड़ रहा हूँ उसको आप लिख लेना भाई, एक काम करना, कभी मेरे ही भरोसे बैठे हो कि नहीं नहीं सर ही करवाएंगे, ठीक है। vowels occupy odd position आपका क्या है, जो vowels हैं आपके जो ऑड पोजीशन पे आने चाहिए, आपके वोवल्स ऑड पोजीशन पे आएंगे इसका मतलब क्या है, देखते हैं भाई कि क्या मीनिंग है। पांच पोजीशन है आपके पास, 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑड पोजीशन का मतलब क्या है, तो ये है या तो ये हो जाता है, ये ऑड पोजीशन। आपने सबसे पहले क्या किया, 10 में से 3 कंसोनेंट, ये तो हर किसी में लगा नहीं लगाना, क्योंकि ये तो डिमांड है, 3 कंसोनेंट होने चाहिए, 2 वोवल होने चाहिए, उसके अलावा वो कंडीशन लगा रहे कि वोवल्स आपके पास 2 है, ठीक है, और जगह आपके पास कितनी है, 3 है, तो 3 में से आपको कोई दो जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो 3 ऑड पोजीशन है उनमें से आपको कोई दो ऑड पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 3c2 आपने 1 3 5 में कोई भी दो ऑड पोजीशन सेलेक्ट कर ली और इस सेलेक्टेड जगह पे आपने दोनों वोवल्स को अरेंज कर दिया, तो 3c2 * फैक्टोरियल 2। अब आपके पास दो ही जगह फिल हुई है, 3 फिर भी बची है, 3 कंसोनेंट हैं और 3 ही आपके पास प्लेसेस हैं, तो ये आपका
सिलेक्शन ऑफ कंसोनेंट, सिलेक्शन ऑफ वॉवल, सिलेक्शन ऑफ ऑड पोजिशन, सिलेक्शन ऑफ ऑड पोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ वॉवल, अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट। लिख लेना भैया, लिख लेना, बाद में ना पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया है। पहले बता दे रहा हूं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया, ये 3C2 कहां से आया, ये फैक्टोरियल 2 कहां से आया, ये 4C2 क्यों आ गया। ठीक है, लिख लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ, कृपया नोट करते रहें। नेक्स्ट देखिए, इन मोर्स टेलोग्राफी, इन मोर्स MORSE, इन मोर्स टेलोग्राफी। देखो एक टेलीग्राफी होती थी पहले, अपनी मोर्स टेलोग्राफी, अब तो पता नहीं होती है कि नहीं होती है। इन मोर्स टेलोग्राफी There are four arms, and each arm is capable of taking 5 positions. including position of rest. How many different signals? Can be transferred. हर आर्म जो है आपका 5 डिस्टिंक्ट पोजीशन ले सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी आपका सेम 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5 डिस्टिंक्ट पोजीशन है, 0 वाली रेस्ट की है ना। यहाँ से आप, ये आपकी इसकी निडल है, जो कि इंडिकेट करेगी पोजीशंस को। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि कितने ऐसे डिफरेंट, जैसे आपने देखो वोल्टमीटर देखा होगा, वोल्टमीटर में जो सुई रहती है, वोल्टमीटर में आपने देखा होगा, या अमीटर, अमीटर आपने देखा होगा, वोल्टमीटर अमीटर। ठीक है, इस तरीके से वो बताता है रीडिंग, बताता ना है? ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, तो कितने ऐसे डिफरेंट सिग्नल्स जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पहली वाली इसके लिए आपका स्विच के लिए कितने
कितने ऑप्शन है, पांच में से कहीं पे भी जा सकते हैं, इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरे के लिए भी आपके पांच है, तीसरे के लिए भी पांच ऑप्शन है, चौथे के लिए भी आपके पांच ऑप्शन है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसफर कब नहीं होगा, जब चारों आपके जो सुई है वो रेस्ट पोजिशन में, कोई एक अगर रेस्ट पोजिशन का तब भी सिग्नल ट्रांसफर होगा, कोई दो अगर रेस्ट पोजिशन का तब भी सिग्नल ट्रांसफर होगा, कोई तीन अगर जो है रेस्ट पोजिशन का तब भी सिग्नल ट्रांसफर होगा। सिग्नल ट्रांसफर कब नहीं होगा, तो चारों आपके जो सुई है रेस्ट पोजिशन में, यानी देखिए चारों आपकी जो है जीरो, चारों आपकी जो है जीरो जीरो पर होंगी, इसका मतलब उसका एक ही तरीका है ना, उसका क्या होता है एक ही तरीका है, इसके लिए भी वन इन टू वन इन टू वन इन टू वन, ये जीरो को एक ही तरीका है, ये जीरो को एक ही तरीका है, ये जीरो को एक ही तरीका, वन इन टू वन इन टू उसका एक ही तरीका हो, ठीक है। तो माइनस वन आपका आंसर आ जाएगा फाइव इज टू पावर फोर माइनस, इतने डिफरेंट सिग्नल जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइव डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड between three children if each child gets at least one book पांच किताबें हैं आपके पास, और आप जो है उन पांच किताबों को तीन बच्चों में बांटना चाहते हो, और आप इस तरीके से बांट रहे हो कि कम से कम एक किताब हर बच्चे को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें जो है बांटने के आपके, जिसमें हर बच्चे को एक किताब तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के। मान लिया कि तीन बच्चे बांटने के तरीके, मान लिया एक कप का कमला है, एक बिमला है और एक चींटी है, ठीक है। ऐसे मैंने कोई तीन नाम दिए, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं, इतने पुराने नाम दे लिए सर, कमला बिमला में ढूंढ रहे हो इसके ना, कहां से नाम उठा के ले आया। अरे तुम्हें क्या करना है भाई नाम का, मैं तो ऐसे सपोज कर ली। तो ये जो तीन है आपको जो है इन तीन बच्चों में पांच बुक्स को बांटना है, कम से कम जो है एक बुक कमला को भी मिलनी चाहिए, कम से कम एक जो है बिमला को भी मिलनी चाहिए, और कम से कम जो है एक बुक स्वीटी को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ठीक नाम है आज के हिसाब से, नहीं स्वीटी, तो कम से कम एक बुक तो मिलनी चाहिए, है ना। अच्छा कोई कोई दे रहा होगा, मैं तो सारी बुक्स ही दे दूंगा, है कोई भी ले जाओ, मेरे तो किसी काम की नहीं। तो अब आप क्या करोगे, टोटल है ना, पहले आप टोटल नंबर ऑफ पेज निकालो, है ना। आप क्या करेंगे, मैं एक चीज लिखता हूँ ना, ये सब फालतू की बातें करने से बढ़िया है मैं ज्यादा बात करूं, उससे सही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। वो मैं लिखता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने को इक्वल होंगे, वन चाइल्ड गेट्स ऑल बुक, ऐसा हो कि एक ही बच्चे को सारी बुक मिल जाए, ठीक है, कमला ही सारी बुक ले जाए, प्लस ऐसा हो टू चाइल्ड गेट्स ऑल बुक, ठीक है, ऐसा, या फिर ऐसा हो थ्री चाइल्ड ऑल गेट्स ऑल बुक, थ्री चाइल्ड गेट्स ऑल बुक, ऐसा।
आप समझने की कोशिश करिए इसको। देखिए टोटल नंबर ऑफ वेल्स के लिए आप देखिए पहली बुक के लिए अगर टोटल की बात करूं तो आपने ये आपके पास पांच बुक है, ठीक है, आपके पास पांच बुक है मान लिया और आपके पास तीन ही बच्चे हैं, ठीक है, जिनको मैंने लिया है उन्नर यूनिवर्सिटी, तो आपने पहली बुक के लिए ना पहली बुक के लिए कितने ऑप्शन आपके पास, तीन, तीन में से पहली बुक किसी के पास जा सकते हैं, दूसरी बुक के लिए कितने ऑप्शन है, तीन, तीसरी बुक के लिए भी कितने ऑप्शन है, तीन, चौथी बुक के लिए भी कितने ऑप्शन है, तीन और पांचवी बुक के लिए भी कितने ऑप्शन है, तीन, जो लिया समझ में आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 3:5, इसमें पता नहीं है कि किसको कितनी मिल रही है ना, मुंह फाड़ के बांट रहे हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि जो है कौन सा स्टूडेंट जो कितनी बुक लेकर के जा रहा है, ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, जो हम मुंह फाड़ के बांट रहे हैं, हो सकता है सारी बुक कमला ले गई, हो सकता है सारी बुक विमला ले गई, ठीक है, हो सकता है सारी बुक्स जो है स्वीटी ले गई है ना। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि टोटल आपके क्या हो गया 3:5। अब वन चाइल्ड गेट्स ऑल बुक, अगर मान लो एक ही बच्चा सारी किताब लेकर के जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने इन तीन में से किसी एक को सेलेक्ट किया होगा, आपने इन तीन में से किसी एक को सेलेक्ट किया होगा, उसी को सारी बुक्स दे दी होंगी, लो तुम ही ले जाओ, ठीक है, तीन में से कोई एक सेलेक्ट किया होगा तो 3C1 × 2 है ना, और देने के तरीके एक ही है, एक को ही सारी बुक देनी है, ठीक है, तो पहले बुक के लिए भी एक ही तरीका, दूसरी बुक के लिए भी एक ही तरीका, तीसरी बुक के लिए भी एक ही तरीका, एक ही ऑप्शन, तो 1:5 ऐसा बनेगा नहीं, बस ऐसा हो सकता है कि आपने 2 चाइल्ड गेट्स और इसका मतलब क्या है, आपने इन तीन में से कोई दो बच्चे सेलेक्ट किए होंगे प्लस 3C2 और आपने जो है, आपने जो है बुक बांट दी, तो जैसे जब हमारे पास तीन बच्चे थे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे 3:5, जब हमारे पास एक ही बच्चा था तो पांचों बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या था 1:5, जब मैंने दो बच्चे सेलेक्ट किए और मुझे पांच बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों में बांट लेंगे, है ना, कोई भी ले जाए, वो ले जाए, वो ले जाए, दोनों ले जाए, टोटल नंबर ऑफ वेज का 3:5, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया, उसमें हो सकता है कि एक ही सारा लेके चला गया, ठीक है, हो सकता है कि वो दोनों पे गई ऐसा, ठीक है, लेकिन हमें क्या दोनों को मिलनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है 3:5 तो आंख बंद करके, आंख बंद करके बांटने के तरीके, हो सकता है कमला विमला का आपने दो सेलेक्ट किया, हम 3C2, हो सकता है कि आपने जो अपना आगे बंद कर दिया, ठीक है, अब आगे बंद करके बांटे टोटल नंबर वेज का मतलब क्या है, हो सकता है दोनों को मिली हो नहीं मिली, ठीक है, ऐसा तो 2:5, अब वो तरीके हटा दो, है ना, कौन से तरीके हटा दो, आप जो बेटा वो तरीके हटा दो इसमें से जिसमें उसको नहीं ना मिलने की पॉसिबिलिटी हो, मिलना ही मिलना हो वही तरीके से आप बोल रहा था ना, ठीक है, तो अब क्या करोगे 2:5। अच्छा जिसे मैं आपको समझा वो तरीके कोई बता सकता है कितने होंगे यहाँ पे, जिसे मैं क्या 2:5 में से माइनस करूँ कि अपना काम बन जाए, तो ये जो है ना ये जो लफड़ा है, ये लास्ट वाला जो लफड़ा है, ये तो अपना आंसर है, ये वाला, ठीक है, ये तो अपना आंसर है, तो 2:5 ऐसे दो तरीके होंगे, दो तरीके होंगे, या तो तुमने जो बुक इसको दी या तो तुमने बुक जो है इसको दी, दो ही तो बच्चे हैं आपके पास, या तो आपने बुक इसको दी होगी या तो बेटा आपने इसको दी होगी,
तो आप वो दो तरीके हटा दो जिसमें जो एक ही सारी बुक्स लेकर के गया हुआ, एक ही बच्चा सारी बुक्स लेकर के जाए, आपके सामने दो बच्चे खड़े हैं, इधर कमला खड़ी और इधर कमला खड़ी है, आपके पास पांचों बुक्स है, तो एक तरीका तो ये कि आप पांचों बुक्स कमला को दे दो, और आपके पास पांचों बुक्स हैं, एक तरीका ये भी आप सारे बुक्स जो विमला को दे दो, तो ऐसे दो ही तो तरीके होंगे जिसमें दोनों बच्चे जो है सारी बुक्स लेकर के चले, समझ में आ गया। तो हमने इसमें से बेटा वो तरीके हटा दिए जिसमें एक ही को सारे बुक्स मिल रहे थे, और ऐसे कितने तरीके थे, दो, तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या कहता है, रेशियो ऑफ 5, और मैंने उसमें से दो बच्चों के लिए वो तरीके हटा दिए जिसमें दोनों को सारे बुक्स मिल रहे थे, ठीक है। और प्लस लफड़ा, लफड़ा का नाम था, ठीक है। तो 3:5 आपके कितना हो जाएगा भाई, बताओ फटाफट से 3:5 कितना होगा, और 1:5 तो 1 ही होगा, ये सब के क्या होगा 3 होगा, और ये आपका भी 3 होगा, और 2:5 2:5 क्या रहेगा 32, तो कितना बनेगा 32, और आपका 32 - 2 तो 30, और ये आपके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 30 × 3 आपके क्या हो जाएगा 90 है ना, 90, और ये आपके क्या हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 93 माइनस कर लेना तो जो भी आ रहा होगा अंदर आ जाएगा, ठीक है, 3:5 हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका बन जाएगा 243, इसको जो आपका आएगा 93 प्लस ये वाला लफड़ा जो आपका आंसर है, तो लफड़ा आपका क्या आ जाएगा 243 - 93 1, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये जो बड़ा है आपका आईआईटी 2000 का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ में आया, ये बताओ पहले। यस भैया, क्वेश्चन तो इतना सा था लेकिन समझाने में टाइम लग जाता है, क्या करें उनका। और कई लोग तो ऐसे आराम से एस में है, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, एन एट ओल्ड बोर्ड, बोर्ड मतलब जिसको हम चलाते हैं ऐसे करके, वो है ना, समझे, चप्पू, चप्पू सोचते हो, एक बोर्ड ऐसा है उसको लोग चलाते, उसको ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड बोर्ड, ओल्ड, ओ ए आर ई, एन ओ ए आर ई, एन एट ओल्ड बोर्ड टू बी मेंड, टू बी मेंड, एम ए डबल एन ई मेंड, मतलब चलाना है, ठीक है, फ्रॉम अ क्रू ऑफ इलेवन From a crew of 11, of whom, WH1, whom, 3 can only, of whom, 3 can only steer, S-T-E-E-R, steer, यानी चला सकते हैं, 11 लोग हैं जिसमें से सिर्फ 3 लोग स्टीयरिंग वाली पोजीशन पर बैठ कर उसको चला सकते हैं, but can't row, eight can row, but can't steer, ऐसे 8 can row but can't steer. In how many ways? The staff can be arranged.
In how many ways the staff can be arranged? If two of the men, if two of the men can only, two of the men can only row on both sides. Row on both sides. If two of the men can only row on both sides. एक नाव बना देते हैं आपके लिए सबसे पहले, ठीक है? एक नाव आपके लिए बना के तैयार करते हैं। देखिए नाव में भी जो है एक रो साइड होता है, एक बो साइड होता है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके चलाते हैं। हम देखो इधर जो साइड बैठे इधर जो साइड, इधर वाले ऐसे चलाएंगे तो इधर वाले जो ऐसे करके चलेंगे, ठीक है? जैसे मान लो आपका ये जो है ये बोल्ट है, ठीक है? अरे तुम सुना कर, तो ये जो आपका स्टेप पोजीशन है, ये आपका जो स्टेप पोजीशन है, एक दो तीन चार, चारों इधर बैठ सकते हैं, एक दो तीन चार ऐसा, ठीक है? मान लिया ये रो साइड है आपका, और मान लिया बेटा ये आपका बो साइड है, ठीक है? ये आपका बो साइड है। आपके पास जो है 11 लोग हैं, 11 में से आपके जो तीन है वो स्टीयर पे बैठ सकते हैं, बाकी जो 8 लोग हैं उसमें से सिर्फ जो है दो आपके बो साइड पे रह सकते हैं, जो बाकी के बचे हुए हैं वो उनको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं है, चाहे उन्हें रो साइड बढ़ा हुआ चाहे उन्हें बो साइड बढ़ा, ठीक है? लेकिन दो जो लोग हैं उनका स्पेशल डिमांड है कि वो जो बो साइड बैठे। आप क्या करोगे इस पोजीशन के लिए, आप क्या करोगे भाई? जो आपके पास 11 लोग हैं उनमें से कोई तीन आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है? आप क्या करोगे? ग्यारह में से तीन सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है? हो जाएगा क्वेश्चन। तीन लोग तो स्टीयर कर ही सकते हैं ना, उसने क्लियरली बोला है कि तीन लोग तो स्टीयर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही पोजीशन है, तो तीन में से कोई एक वहां बैठेगा, ठीक है? हमने तीन में से जो स्टीयर कर सकते हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया और इस पोजीशन में फेंक दिया, ऐसा एक ही सेलेक्ट किया और एक ही पोजीशन में बिठाने का तरीका एक, ऐसा अभी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि कोई दो जो है यहाँ पर दो साइड रह सकते हैं, तो वो कितनी कितनी ऑप्शन होता है? चार। इन चार में से जो है कोई दो जगह आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? क्योंकि दो लोग वहां रह सकते हैं, तो चार में से कोई दो जगह हमने दो साइड सेलेक्ट कर ली और वहां पर दो लोगों को अरेंज कर, ठीक है? कोई दो फिल हो गया, मान लो जैसे ये फिल होगी तो एक दो चार है, जबकि कितनी जगह बची आपके पास? छह। और कितने लोग बचे आपके पास? छीजों को छह जगह अरेंज करने का तरीका, थ्री सी वन सिलेक्शन ऑफ वन मैन है फॉर दिस पोजिशन एंड अरेंजमेंट, उसे एक आदमी को सेलेक्ट किया और इस पोजिशन पर अरेंज किया। चार आपके बहुत, ये चार आपके साइड है, चार में से कोई दो जगह को सेलेक्ट किया और दो लोगों को अरेंज कर दिया बहुत साइड, बाकी ये चार ये दो इधर, छह लोग का छह जगह अरेंज करने का देखिए फैक्टोरियल। समझ में आया? ये बताओ फटाफट से। यस। चलो अब एक काम करते हैं,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी तो करीब करीब आपके 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे, 4-5 लेक्चर भी लग जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 24-25 तक खत्म कर देंगे, आपका 4-5 दिन पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इतना तो तुम्हारा हो ही जाएगा बेटा एनसीईआरटी लेवल, तुम्हारे जो स्कूल में आ रहे हो उतना तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। ये तो थोड़ा मेंस लेवल चल रहा है तो टाइम लग रहा है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा कराने में, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय। बाय सर। ओके बेटा।